So guys, आज की जो वीडियो होने वाली है guys, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप भी एक्सेस कर रहे हैं वीवो का कोई सा भी डिवाइस, तो मैं आपको बताने वाला हूं आपने फोन के अंदर चार्जिंग कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड का अलर्ट कैसे लगा सकते हो। मैं एक आपको छोटा सा डेमो दिखाता हूं, अगर आपको उसे लगाना है तो आप भी अपने फोन के अंदर चार्जर कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड वाला अलर्ट लगा सकते हो। इवन जब आपका फोन फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो उसका भी अलर्ट उसके अंदर ऑलरेडी है, तो वो भी आपको बताता है कि आपका फोन जो है कंप्लीटली चार्ज हो चुका है एंड उसे डिस्कनेक्ट करो। मेरे पास यहाँ पर फोन ऑलरेडी है, तो मैं इसको एक बार आपको डेमो करके दिखाता हूँ। अभी ये फोन कंप्लीटली चार्ज हो रहा है, इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, अब वापस कनेक्ट करते हैं। तो ये जो इंटरेस्टिंग सी अलर्ट है आप भी अपने फोन के अंदर ऐड कर पाएंगे। वीवो का कोई सा भी डिवाइस एक्सेस कर रहे हो तो बिल्कुल ही आसान है, और इसके अंदर बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स तो आता नहीं है, लेकिन एक छोटी सी एप्लीकेशन को इंस्टॉल्ड करते हुए हम पूरे प्रोसीजर को फॉलो करके इस अलर्ट को अपने फोन के अंदर लगा सकते हैं। तो चलो अब ये एक्चुअल डेमो करते हैं, हमें कैसे इसका एक्सेस करना है अपने फोन के अंदर। सो गाइस, इस चीज को अपने फोन के अंदर करने के लिए हमें इस वाली छोटी सी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, जो है बैटरी अनाउंसर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा, आप वहां से भी इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर में सर्च भी करेंगे तो आसानी से एप्लीकेशन मिल जाएगा। बहुत छोटी साइज की एप्लीकेशन है और आसानी से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल ओपन करना, इसका सेटअप भी करना काफी आसान है, इसे आसानी से आप सेटअप कर पाएंगे चाहे आप कोई सा डिवाइस यूज करो। ये 13 वाले वर्जन के साथ कंप्लीटली रन कर रहा है, अगर आप 11 12 के साथ जाते हो तो उसमें भी कंप्लीटली रन करेगा एप्लीकेशन। इसको ओपन करेंगे, बहुत ही इंटरफेस इजी है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ आपको चार्जर पे क्लिक करना है, तो इसमें यह दिखाएगा कि आपके फोन के अंदर चार्जर कनेक्टेड है या नहीं। इसके बाद अनाउंसमेंट में क्लिक करेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। इसमें बैटरी अनाउंसर है और यहाँ पर बैटरी लेवल का भी ऑप्शन है। अगर आपकी बैटरी लेवल 15% आती है तो उसमें भी आपको बताता है कि आपकी बैटरी 15% चार्जर है। और यहाँ पर आपको नीचे मिल जाता है चार्जर अनाउंसमेंट में आपको चार्जर अलर्ट मिलता है, जिसमें अगर आपका चार्जर कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट हुआ, जो मैंने आपको पहले ही डेमो में दिखा दिया था, तो ऐसे में सुनाई देगा और फुल चार्ज हो जाता है, उसमें भी एक अलार्म सुनाई देता है। अलार्म्स को हम चेंज आउट भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर अलार्म टाइप है, इसमें इस पर क्लिक करेंगे। अब इसमें रिंग टोन देख सकते हो, हालांकि यहाँ पर 30 सेकंड तक ये रिंग टोन आपको अनाउंसमेंट सुनाई देती है जब चार्जिंग कनेक्ट होता है डिसकनेक्ट होता है। और इसमें बहुत ही सिंपल है, इसको कुछ करना नहीं है इसके आगे, और आप देखेंगे तो यहाँ पर सारे फीचर्स अभी इनेबल मिल जाएंगे। अभी ये काम करना स्टार्ट कर चुका है, ऑलरेडी रेडी है ये। अनाउंसमेंट सेटिंग्स में जाके इसको देख सकते हैं, अनाउंसमेंट वॉच मोड सेट कर सकते हैं, कौन सा वाइब्रेशन भी इसके साथ यूज करना है या नहीं करना, आई थिंक आपको पता होगा। अब मुझे कुछ करना नहीं है इसके अंदर, ये ऑलरेडी सेट हो चुका है, बिल्कुल ही आसान है। अभी मैं चार्जर कनेक्ट करके भी आपको दिखाता हूं कि ये कंप्लीटली काम करना स्टार्ट कर चुका है। इसको मैंने कट कर दिया है, अब चलो चार्जर कनेक्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमें जो अलर्ट है किस तरह से सुनाई देने वाला है। अभी गाइस हम क्या करने वाले हैं, मैंने इस चार्जर को यहाँ पर प्लग इन कर रहा हूँ वापस से, और जैसे मैं फोन को प्लग इन करूंगा तो हमारे पास जो ये नोटिफिकेशन है आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपना जो है एप्लीकेशन सेटअप कर लिया था, उसमें कुछ परमिशन वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती बहुत ज्यादा, बिल्कुल ही आसान होता है। और इस तरह से आसानी से यूज करके आप जो है वीवो का कोई सा भी डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर ये चार्जिंग अलर्ट लगा सकते हैं। सो आई होप कि आप समझे होंगे चार्जिंग अलर्ट को कैसे लगाना है। एंड गाइस, फिर भी अगर इस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजिंग होती है आपके मन में, तो कॉमेंट सेक्शन नीचे आपको मिल जाएगा, वहां पर कॉमेंट कर सकते हो, या फिर आप जो है इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हैंडल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा।